अज़म्लिमिनैतान बसमीम नाज़रीन अलैकुम। प्रोग्राम मिर्गी मर्ज़ जुनून या आसेब के साथ मैं हूँ डॉक्टर सिद्दीकी। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की जानब से ये मिर्गी की आगाही के प्रोग्राम के सिलसिले जारी हैं आज हम जो बात करेंगे वो इस मर्ज़ की आदात व शुमार के बारे में ये कितनी पाई जाती है हमारे मुल्क में कितनी कॉमन है ये मर्दों में औरतों में क्या कोई तफरीक रखती है बच्चों में ज़्यादा होती है बुज़ुर्गों में होती है इसके क्या आदात व शुमार हैं और ये इसकी आगाही कितनी है गाँवों में देहातों में मुल्क के चप्पे चप्पे तक इसकी क्या सर्वेज़ हुए हैं क्या हम लोगों को मालूम है और इसके लिए हम बहुत खुश नसीब हैं आज कि हमारे साथ मुल्क के मरूफ़ व मशहूर दो तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो प्रोफेसर भी हैं पढ़ाते भी हैं और कराची से बाहर भी जाकर कर मिर्गी का इलाज भी करते हैं आ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद शेर असलमैकम बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और डॉक्टर मोहम्मद वासे दोनों डॉक्टर कंसल्टेंट्स भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं नाजरीन हम इनसे पूछते हैं कि इनके तजर्बे में और इनके इस पूरे जो न्यूरोलॉजी के मरीजों को देखते और उसमें मिर्गी के मरीज़ कितने पाए जाते हैं और पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में क्या आदात व शुमार है आ, सबसे पहले मैं पूछूंगी डॉक्टर खालिद शेर आपसे शुरू करते हैं हम और ये कि ये दुनिया में कितनी है मिर्गी और पाकिस्तान में उसका क्या तनासब है बसमी एक्चुअली जैसा कि हम जानते हैं मिर्गी जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है इंटरनेशनली बैनी तौर पर तो बहुत ही मज़बूत डेटा अवेलेबल है और ये समझा जाता है कि एक फ़ीसद लोग दुनिया में पॉइंट फाइव से एक फ़ीसद के दरमियान लोग मर्गी का मर्ज़ रखते हैं हमारे यहाँ मुख्तलफ़ में मख्तलफ़ाद व शुमार जमा किए गए हैं मुख्तलिफ स्टडीज होती रही हैं और उनमें ये देखा गया है कि शायद हमारी सोसाइटी में हमारे मुल्क में मिर्गी का तनासब बेनासब से शायद कुछ ज्यादा है। उसकी कई वजूहत भी हो सकती हैं। तो एक से डेढ़ फीसद के दरमियान लोग पाकिस्तान में शायद ऐसे हैं जिनको किसी न किसी अंदाज में मिर्गी का मर्ज मौजूद रहता है एक से तो डेढ़ फीसद एक करोड़ में तो ये तो बीस लाख बीस लाख लोग और ये फैमिलीज़ हो गई बीस लाख फैमिली सफ़र करती हैं क्योंकि उनके यहाँ एक ऐसा फ़र्द है जो ऐसी बीमारी से गुज़र रहा है जिसके बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं है सोसाइटी में रूरल एरियाज़ में तो यूँ समझें देहात में तो बहुत कम इसके बारे में आगाही है तो कम से कम बीस लाख लोग और बीस लाख फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके यहाँ ऐसे फ़र्ज पाए जाते हैं जिनको किसी न किसी अंदाज में मिर्गी मौजूद है ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं डॉक्टर वासे ये बीस लाख लोगों को मिर्गी का मर्ज है और ये काबिल इलाज मर्ज़ है इसमें ये बताइए कि क्या ये ये मर्ज़ जो है ये बीस लाख जो है ये देहातों में ज्यादा है, है या शहरों में ज्यादा है या देहात में रहने या शहर में रहने से इसका कोई फर्क नहीं होता पड़ता देखिये अब पहली बात तो है कि पाकिस्तान में ना इतना अच्छा डेटा हमारे पास नहीं है लेकिन जो अवेलेबल है उससे पता चलता है कि ये बीमारी शहरों में भी है और देहातों में भी है लड़कों में भी है और लड़कियों में भी अच्छा, है मर्दों तो में भी है औरतों में भी है बच्चों में भी है और बूढ़ों के अंदर भी है लेकिन बीमारी बच्चों में नस्बता ज़्यादा होती है और फिर थोड़े बुढ़ापे की उम्र की तरफ जाके ज़्यादा होती है तो ये इसमें ये एज ग्रुप ज़्यादा मिलता है एपिलेप्सी की बाद अकसाम ऐसी हैं जो लड़कियों में ज़्यादा होती हैं बाद अकसाम ऐसी हैं कि जो लड़कों में ज़्यादा होती हैं लेकिन तकरीबन पाकिस्तान में तनासब दोनों का बराबर है इसी तरह शहरों और देहात में भी तनासब बराबर है लेकिन क्या है कि शहरों में चूँकि अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है इसलिए उसका इलाज ज़्यादा लोग कराते हैं देही इलाकों में चूँकि तनासुब डॉक्टर्स का भी कम है और इलाज अवेयरनेस का भी कम है इसलिए दही इलाकों में बहुत बड़ी तादाद मिर्गी के मरीजों की ऐसी है कि जिनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है ख़ासतौर पर लड़कियों के बारे में अवेयरनेस लोगों की कम है हमारे माशरे में अभी तक के इस बीमारी में अगर किसी लड़की को हो जाए तो लोग छुपाते हैं लोग चाहते हैं कि किसी को पता ना चले और इसी वजह से वो उसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाते क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलने का खतरा होगा तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं देहात में बिलखसूस कि जहाँ लड़कियों का मिर्गी का इलाज नहीं हो पाता है लेकिन ये बीमारी पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है और अगर अवेयरनेस हो तो ये तादाद जो 20 लाख की है इनमें से 70-80 फीसद लोग ऐसे हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है जिनको अभी क्योंकि उनको अच्छा। डॉक्टर के पास गए नहीं है वो आज तक सिर्फ 25 से 30 फ़ीसद मरीज हैं पील के पाकिस्तान में जो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका इलाज होता है प्रॉपर इलाज तो दस फीसद से ज़्यादा मरीजों का नहीं हो रहा है क्योंकि जो बीस फीसद मरीजों का इलाज हो भी रहा है वो भी प्रॉपर नहीं उसकी है उसकी वजह कि डॉक्टर्स में अवेयरनेस नहीं है या कम है या फिर मरीज दवाएँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब से दवाई नहीं खर्च कर सकते और गवर्नमेंट ज़्यादा ये दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करती है तो बीस दस फीसद ऐसे हैं जिनका प्रॉपर इलाज हो रहा है बीस फीसद ऐसे हैं कि जिनका इलाज हो रहा है लेकिन इतना प्रॉपर नहीं हो रहा है और सत्तर फीसद ऐसे हैं कि जिनको इलाज मिल ही नहीं रहा है इस बीमारी का तो अगर उनको आप इलाज अवेलेबल हो जाए ना सिर्फ तो इसके जरिए आप पाकिस्तान में ये जो मिर्गी की बीमारी है इसके लोगों को आप बहुत काबिल अमल बना सकते हैं सबसे बड़ा मसला ये हमारे मुल्क में कि किसी को बीमारी होती है उसको घर बिठा दिया जाता है कहते हैं अब तुम किसी काबिल ही नहीं रहे यानी लड़की अगर स्कूल जा रही है उसका स्कूल छोड़ा देते हैं बच्चा स्कूल जा रहा है उसका स्कूल छोड़ा देते हैं कोई बंदा काम कर रहा है उसका काम छोड़ा देते हैं और ये समझा जाता है कि अब ये माशरे का कोई काबिल अमल कार आमद इंसान ही नहीं रहा जिसको बीमारी हो गई है हालांकि ऐसा है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है तो ऐसे लोग तो हैं कि दो मिनट का एक दौरा होता है उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल होता है हमारे हैं। पास तो ऐसे मरीज हैं जो पीएचडी हैं डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं जो इलाज कराते हैं ऐसी लड़कियां हैं कि जो जॉब कर रही हैं एग्जीक्यूटिव हैं बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है जी, और जिनके बच्चे हैं और जिनको ये बीमारी है और बिल्कुल नॉर्मल और बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ अब तो सतार उन्होंने क्या कहा क्या क्या कारनामे नहीं कर लिए हमारे एक आईकॉन है और बीमारी है काफी पाकिस्तान में और अवेयरनेस अगर इसकी हो तो तकरीबन 90 परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत माशरे में बहुत कार फंक्शन कर सकते हैं वो लोग जैसे डॉक्टर खालिद आपने बताया था कि दुनिया में तकरीबन पॉइंट फाइव जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इससे भी कम है इसकी शराह और हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा है और बल्कि हमारे जैसे हर हज़ार में से नौ से दस लोगों को यानी सौ में से हर सौ में से एक फर्द को मिर्गी होगी तो और दुनिया में ये कि हर सौ में से हर दो सौ में से एक को होगी तो ऐसी शरह में कुछ कोई ऐसी चीज़ है क्या हमारे मौसम या क्लाइमेट में ऐसा वो है या क्या कुछ हमारी ही अपनी कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ ये मर्ज़ ज़्यादा है जहाँ तक मिर्गी की अकसाम का ताल्लुक है ब्राडली दो तरह की मिर्गी समझी जाती हैं एक को हम प्राइमरी कहते हैं जिसमें कोई वजह मालूम नहीं होती और दूसरी सेकेंडरी कहलाई जाती है जिसमें कई वजूहत हो सकती हैं सर की चोट भी वजह बन सकती है इसी तरह बचपन में या बाद में दिमाग के इन्फेक्शन मलेरिया मेनजाइटस इनकेफलाइटस इस तरह की चीज़ें भी मिर्गी की वजह बन सकती हैं हमारे यहाँ इशू ये है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया अर्बन एरियाज़ में शहरों में तो नो डाउट 20 से 30 फ़ीसद लोगों की रसाई दवाइयों तक और आगाही है गाँव में दो से पाँच फीसद के दरमियान लोग ही ऐसे हैं जो चीज़ों की आगाही रखते हैं और दवाइयों तक एक्सेस या रखते हैं इसी तरह जब प्राइमरीली कोई भी मोज़ी या कोई ज़्यादा सीरियस चोट लगती है या मेनन्जाइटस गर्दन तोड़ बुखार या सरसाम इस तरह के दिमागी इन्फेक्शन होते हैं तो उन्हें प्रॉपरली इलाज नहीं करवाया जाता है सही हालांकि बिल्कुल काबिल इलाज, इलाज हैं। और ट्रामा भी चोट भी अगर प्रॉपर तरीके से डील की जाए तो टाइम पे उसके भी असरा दिमाग पे कम रह जाते हैं क्योंकि इन सेकेंडरी जिन वजूहत जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनका सही इलाज मुमकिन नहीं है और हमारी सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है तो उनके असरा जहन पर रह जाते हैं जो बाद में मिर्गी का बायस बनते हैं और ये एक वजह है कि जो चीज़ें टाइमली टाइम पे ट्रीट हो सकती हैं इलाज हो सकता ये एक है ये है, कि हमारी एक... शरा कम हो सकती है और बहुत से बच्चे और बड़े जो हैं वो इस मर्ज से बच सकते बच है। सकते हैं अगर प्राइमरी सेकेंडरी वजूहात का टाइमली इलाज किया जाए तरह हमने सरसाम का जिक्र किया गर्दन तोड़ बुखार का जिक्र किया किसी भी सीरियस चोट का जिक्र किया कहते हैं कि टीबी भी दिमाग में चली जाती है, है? है। ऐसा भी भी काफी टीबी पे काम भी किया है। असल में जो मगरबी मुल उनकी तो पच्चीस का आप डेटा लें तो उनके अभी डेढ़ फीसदी फीसद थी उन्होंने इसको ज्यादा उन्होंने कंट्रोल किया है क्योंकि जो ट्रोमेटिक ब्रेन है वो उन मुल्कों में सबसे बड़ी वजह थी हमारे यहाँ तो इन्फेक्शन भी हैं और ट्रामेटिक दोनों पाकिस्तान में भी अभी भी अगर जो डेटा हम निकालें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में रोज आना सैकड़ों हैं कि जिनको सीवियर किस्म का ब्रेन ट्रॉमा होता है एक्सीडेंट के अंदर और खासतौर पर मोटरसाइकिल यूज खास पर लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में हेलमेट के कवानीन मौजूद हैं इस्तेमाल के लेकिन उसकी पाबंदी नहीं होती है तो उन्होंने ये किया कि हेलमेट लॉज को रेगुलेट करके उन्होंने ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी को कंट्रोल कर लिया उसकी शरा कम होने से फायदा ये हुआ है है। कि एपिलेप्सी भी कम हो गई है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि हमारे पास कानून भी मौजूद है या कानून हमारे ही भलाई के लिए हमारे ही बच्चों के हमारे ही बेटों के सबकी भलाई के लिए बनाया गया है कि एक हेलमेट पहन ले बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं अच्छा हमारे यहाँ तो दूसरे मगरबी ममालिक में तो ये लाजिम है कि मोटरसाइकिल पे अगर कोई पीछे बैठेगा ना वो भी तो लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी बिल्कुल हमारे मुल्क में जो खवानी है वो सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए हम तो ये कहते हैं कि मोटरसाइकिल पे आप किसी बच्चे को भी बिठाएं तो भी उसको हेलमेट पहनाए लेकिन हमने देखा है कि हमारे मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि मोटरसाइकिल पे सात सात लोग बैठे होते हैं और मियाँ बीवी और उनके चार पांच बच्चे मोटरसाइकिल पे आगे तक बैठे हुए होते हैं और जाहिर उनमें से कोई भी कवर्ड या प्रोटेक्टेड नहीं होता है खुदा ना खासा कोई हल्का सा भी एक्सीडेंट हो तो कितना उसके ज़रिए नुकसान हो सकता है छुट्टी तो सी ये एक बड़ी वजह है पाकिस्तान में ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी जिसको हम कंट्रोल करें तो एपिलेप्सी के मरीज काफ़ी कम हो सकते हैं दूसरे इन्फेक्शन है काफ़ी इन्फेक्शन ऐसे हैं कि जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकते हैं बच्चों में जैसे वैक्सीन होती हैं गर्दन तोड़ बुखार के वैक्सीन अवेलेबल हैं लेकिन इसी तरह बचाया जा सकता है बहुत सारे बच्चों को दिमागी इन्फेक्शन से खासतौर पर मलेरिया से और दिमाग के टीबी से और गर्दन तोड़ बुखार से तो ये वो बीमारियाँ हैं कि जिनको अगर हम प्रीवेंट कर लें तो हम जो सेकेंडरी अपीडप्सी है जो हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा है उसकी तादाद में हम काफ़ी कमी कर सकते हैं तो ये दुनिया में मग़रबी मुल्कों ने इसको कम करके दिखाया है कि एक डेढ़ फ़ीद से वो पॉइंट फाइव परसेंट पर आ गए हम भी अगर करें तो हम भी हैं इनशाला है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी का एक मकसद ये यही है इन प्रोग्रामों के ज़रिए भी ताकि लोगों तक आगाही पहुँचे डॉक्टर खालिद आपने देहातों का जिक्र किया था और आपका काफ़ी काम भी है आप अक्सर जाते हैं आप अभी भी हमें वक्त दिया हुआ है और आपने जाना है तो ये बताइए कि देहातों में आपका एक्सपीरियंस आपने जिक्र किया था कि वहाँ पे कम लोगों को आगाही है तो ये हम किस तरह से आगाही दे सकते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ की आप अपना तजर्बा तो बताइए देखिए मेनली जहाँ तक देहात का ताल्लुक है सबसे बड़ा फैक्टर उन लोगों के जहन में बदनामी का खौफ है इस्पेशली बच्चियों के फीसद केसेस में तो सौ फीसद वो चीज़ों को इसी तरह देखते हैं कि ये चीज़ बदनामी का बायस बन सकती है कि हमारी बच्ची को कोई ऐसा मर्ज़ है जो मिर्गी कहलाता है और जिसके असरात उनके जहन में इस हद तक हैं कि वो समझते हैं कि शायद ये मर्ज़ फैल भी सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी तक और इससे बच्ची फिर ये स्टिग्मा जो है बदनामी का खौफ फिर एक पॉपुलेशन ऐसी है गाँव में जो समझती है कि यह कोई दीवानगी या जादू टोने का असर भी हो सकता है जो कि इस वजह से डॉक्टरों तक पहुँच ही नहीं सकती एक पाकिस्तान में स्टडी हुई थी जिसमें जिक्र किया गया था कि तीस फीसद लोग यकीन रखते हैं कि मिर्गी किसी जादू टोने के असरा की वजह से होती है तो गाँव में नो डाउट उन लोगों का तनासब ज़्यादा है एक तो बदनामी का खौफ दूसरा जैसे मैंने जिक्र किया कि जादू टोने पे यकीन रखना और एहसास रखना कि ये जन्ात का असर है या जादू टोने की वजह से है तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं तीसरा चीज़ों की आगाही ना होना इलिट्रेसी आपको पता है कि पाकिस्तान में रियल जो लिटरेसी रेट है वो गाँव में तो बहुत हद तक कम है तो एलैक्ट्रिक मीडिया प्रिंट मीडिया तक उन लोगों की रसाई इतनी नहीं है कि वो इतनी आगाही ले सकें अगर उनके पास कोई चीज़ पहुंच भी सकती है 18 घंटे की लोड शेडिंग में तो वो पी भी है एक केबल नहीं है कि एक मोहल्ले में सौ घरों को आप पहुंचा दें तो एक तो वहाँ कुछ चलता भी नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक भी उनकी रसाई नहीं है प्रिंट मीडिया तक भी नहीं है इलिट्रेसी भी है बदनामी का खौफ भी है जादू टोने के बारे में अपने अकायद भी हैं इस वजह से रूरल एरियाज़ में मिर्गी बहुत निगलैक्ट हो रही है और ना ही लोगों का इसका एहसास रखते हैं ना कहीं उनकी रसाई है कि अपनी दाद रसी के लिए जाएं और ये दो चार चीज़ें ऐसी हैं तो इसमें तो जहन में ये आता है। बताइएगा की गवर्नमेंट लेवल पे बीस लाख लोग कम तो नहीं है हमारे मुल्क के जो कि बहुत हैं उसमें से चौदह पंद्रह लाख गाँवों में जो कि मतलब बहुत अच्छे फ़र्द बन सकते हैं और बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं जब सीजर के को एपिलेप्सी हो सकती है और वो फतवाहा कर सकता है तो हमारे मुल्क के लोग कम तो नहीं और कहते हैं जिसका दिमाग है उसी को एपिलेप्सी होगी तो ये गवर्नमेंट लेवल पे कुछ आपके इम में कुछ है कि है या कुछ तजावीज देंगे कि हमारे सुनने वाले नाजरीन कुछ पहुँचाएँ असल में अभी तक जो एक बड़ी वजह है हैप्सी के हवाले से कुछ हो नहीं सका उसकी वजह है कि गवर्नमेंट की सतह पे इसकी आगाही कम है और उनकी तरफ से इकदाम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बाज़ बीमारियों के ऊपर गवर्नमेंट की तोज्जो ज़्यादा है मिसाल के तौर पर मलेरिया हो गया टी बी हो गया हेपेटाइटिस हो गया जो इन्फेक्शस डिजीजेज़ हैं लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी बीमारियों की किस्म है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़े हैं जैसे, जैसे मिसाल के तौर पर फालिज है मिर्गी है डिमेंशिया है ये बीमारियां भी बड़ी तादाद में पाई जाती है जी बिल्कुल और 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 इनका और, दूसरी बात यह है कि इन बीमारियों पे गवर्नमेंट को सिर्फ ये करना है कि इन बीमारियों की अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है इस वक्त तो एक बहुत बड़ा मीडिया गवर्नमेंट के पास तो पूरा पीटीवी है अगर उसी को आप इस्तेमाल करें हेल्थ अवेयरनेस तो को बढ़ाने के लिए तो कम से कम ये होगा कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाएगी और अवेयरनेस पैदा होने से बहुत फर्क पड़ जाता है दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस पैदा होने के साथ दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो ताकि डॉक्टर्स के पास जब वो मरीज आए तो डॉक्टर्स उनका प्रॉपर तशीस कर सकें और इलाज कर सकें और तीसरी बात यह कि एपिलेप्सी की दवाइयाँ अवेलेबल हों हमारे मुल्क में बहरहाल ये बात तो है कि एपिलेप्सी की तमाम तर दवाइयाँ जो दुनिया भर में अवेलेबल हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई हैं तकरीबन हर दवाई पाकिस्तान में अवेलेबल है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है कि उसकी कीमत भी ऐसी है कि जो बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन देहात में गांव में और इवन शहरों में भी बाज़ अव लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को गवर्नमेंट को दवाई सप्लाई करनी चाहिए तो हमने पहले भी कहा है कि जितने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं गवर्नमेंट अस्पताल हैं उसकी फार्मूलरी में एपिलेप्सी की दवाइयाँ शामिल की जाएँ ताकि जो ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको कम अज़ कम दवाई मिल सके क्योंकि जो लोग इलाज कराना चाहते हैं उनको तो इलाज अवेलेबल अवेयरनेस हो भी जाए लेकिन अगर वो इलाज तक रसाई और दवाई नहीं लूप है, जिसको कवर करना जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छी आपने दी है हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट तक ये तजावीज जाए डॉक्टर खालिद आपके ख्याल में कुछ और कुछ हम कर सकते हैं इस सिलसिले में देखिए एक तो हमारे पास माहिर दमागी अमराज जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है और मेरे ख्याल में सर्टिफाइड और क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट शायद 100 से ज़्यादा ना हो पाकिस्तान में अब 20 करोड़ लोगों देखा देखा में अगर तनासब बनाएं तो वो किस हद तक अवेलेबल हो सकते हैं पॉपुलेशन के लिए नंबर वन सही तो जैसे डॉक्टर वास ने कहा कि हमें डॉक्टर्स को भी ट्रेन करना है तो मेरे ख्याल में उनमें भी 80 फीसद मेजर अर्बन सेंटर्स में है तो आपकी सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट पापुलेशन तो ऐसी है जो जिनकी रसाई ना होने के बराबर है इसलिए होना ये चाहिए कि जहाँ भी बड़े पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हैं या न्यूरोलॉजिस्ट जितने हैं इस मुल्क में उनको चाहिए कि शार्ट कोर्सेस इसकी आगाही के बढ़ाने के लिए छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हेड क्वार्टर लेवल पे अगर वो लोग अरेंज करें और जिस डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि फॉर्मूलरी में दवाइयाँ होनी चाहिए देखिये जिनको हम फर्स्ट लाइन ड्रग कहते हैं ना बहुत आम सी फिनो और ये इस तरह की दवाइयाँ अगर वो भी आप अवेलेबल कर देना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे तो आप यूं समझें कि आपने पाकिस्तान की बहुत बड़ी सर्विस कर दी बिल्कुल नई दवाइयाँ का तो तस्वर बहुत दूर की बात है सिर्फ लोकल फिजिशियन को आगाही हो मर्ज़ की बिल्कुल हम कोशिश करेंगे इसका एक चीज़ बताइए कि ये मर्ज जो है ये बच्चों में डॉक्टर वासन ने एक जिक्र किया था कि बच्चों में होता है और बूढ़ों में होता है बीच का कोई कोई फ़र्क है इसकी आदाद और शुमार में पाकिस्तान और में जो आदाद और शुमार इकट्ठे हुए हैं दुनिया है। के मुकाबले पे दुनिया में क्या है हमारे पास हमें मेरे ख्याल से एक तज़्या, एक तजवीज़ मेरे जहन में आपकी बातें सुन के आई और वो ये कि हमें एक एक ग्रुप और एक एपिडमोजिकल सर्वे करना चाहिए और इसके बहुत अच्छे आदाद व शुमार और हासिल करने चाहिए तो वो उससे भी हमें काफ़ी मदद होगी नो डाउट ये डॉक्टर साहब ने जैसा जिक्र किया शुमार के बहुत हद तक माहिर हैं वासे साहब लेकिन मुझे जो कुछ मैंने पढ़ा है शुमार में वो कितने वैलिड हैं मैं नहीं कह सकता तीस साल की उम्र से पहले के लोगों में मिर्गी ज्यादा पाई गई है पाकिस्तान में सही। अब वो तीस साल से पहले तो एक बहुत बड़ा एज ग्रुप आ जाता है जिसमें शीरख्वार बच्चे भी आ जाते हैं छोटे बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल गोइंग बच्चे भी आ जाते हैं लेकिन देखा यह गया है कि ज़्यादातर मिर्गी का मर्ज तीस साल की उम्र से पहले दे एज दे ग्रुप में देखा दे दे गया दे है दे और बच्चों में शायद इसका प्रीवलेंस और भी ज़्यादा है और फिर उसमें सारी वो चीज़ें काउंट करती हैं कि अच्छी इम्यूनाइजेशन हो टाइमली ट्रीटमेंट हो इन्फेक्शन की डॉक्टर साहब ने ट्रामा का जिक्र किया उसको टाइमली डील किया जाए तो इस तरह एक बड़ी हद तक बचाया जा सकता है एपिलेप्सी को फ्यूचर में ज़्यादातर पाकिस्तान में बच्चों में और नौजवानों में ये मर्ज पाया जाता है डॉक्टर खालिद डॉक्टर वासे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं और इतने इंकशाफात हुए हैं इस प्रोग्राम में और सवालत और भी थे मेरे पास लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आप लोग आम, हमारे प्रोग्राम मिर्गी मर्ज़ जुनून या आसेब के हवाले से हमारे नाजरन को एक पैगाम प्लीज़ दीजिएगा डॉक्टर खालिद शेर आपसे गुजारिश करूँगी ये कहना चाहूँगा कि खातिन के, के सिलसिले में मिर्गी के जो मसाइल हैं शादी से पहले शादी के दौरान बच्चे की फीडिंग के हवाले से उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि आगाही क्री पैदा करें और क्योंकि दवाइयों का इस्तेमाल ख़ुद भी कई पेचीदगियों की वजह बन सकता है तो एक तो ख़वात के बारे में जो बदनामी का तसवर है कि इस चीज़ को एक्सपोज़ ना किया जाए जाहिर ना किया जाए उनकी रसाई नामुमकिन बनाई जाती है पाकिस्तान के माशरे में उस चीज़ को कम से कम किया जाए उनकी रसाई ख़वान की इस्पेशली बढ़ाई जाए और क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी पापूलेशन चाइल्ड बियरिंग एज में है जो बच्चे पैदा करने के काबिल हैं या शादी हो चुकी है उनमें भी आगाही बढ़ाई जाए कि कौन सी दवाइयाँ उनके लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन सी पेचीदगी का बायस बन सकती हैं और फीडिंग के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान मिर्गी के हवाले से उनमें और आगाही बढ़ाई जाए यह एक बहुत बड़ी सर्विस होगी क्योंकि यही माएँ नेक्स्ट जनरेशन को भी ये कन्वे करेंगी पहुँचा सकेंगी सारी चीज़ तो औरतों का बलम होना मिर्गी के सिलसिले में बहुत ज़रूरी है जी बिल्कुल हर चीज़ का ही वो होता है कि माँ जो है वो पहला मकतब है तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद शेर डॉक्टर वासे एक पैगाम हमारे नाजरन को मिर्गी आगाही के बस पैगाम तो सिर्फ ये है कि ये एक बीमारी है इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि अगर किसी को मिर्गी की बीमारी हो गई है लड़की को है ये सब काबिल इलाज बीमारी है और दूसरी बात है कि इन लोगों के दिमाग नॉर्मल होते हैं तो इसलिए ये लोग जिनको मिर्गी की बीमारी होती है ये लोग काफ़ी पढ़ सकते हैं जॉब कर सकते हैं सारे के सारे काम कर सकते हैं सबसे अहम चीज़ ये कि इसके बारे में जो हमारे तोाहमात हैं उनको हम ख़त्म करें और अपने माशरे के अंदर इस बात को फैलाएँ और साथ साथ हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि गवर्नमेंट इस बात के लिए इकदाम करे जो पी टी वी है या जो गवर्नमेंट एडवर्टाइज़मेंट की कम्पेन चलाती है पोलियो या दीगर मरीजों की इसी तरह इस बीमारी के हवाले से भी गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करे कि जिसके ज़रिए लोगों में आगाही फैले और साथ साथ ये है कि ये इसका इलाज भी लोगों को सस्ता इलाज तमाम पाकिस्तान के गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट हस्पतालों में अवेलेबल हो तो इन उम्मीद है कि हम इस बीमारी को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद वासे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है प्रोग्राम मिर्गी मर्ज जुनून या आसेफ़ इसके साथ में हूँ डॉक्टर फौजे से देखिए अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़